हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं रेडमी नोट 13 प्रो 5G के अंदर आफ्टर हाइपर वॉश के बाद BGMI टेस्ट। और गाइस, इसका बैटरी बैकअप टेस्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। उसके अंदर गाइस आपको बहुत ही अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मैं गाइस इसका बैटरी बैकअप है वो यूज़ कर रहा हूँ, और मैं गाइस मैंने इसके अंदर टेलीग्राम में भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन डाली है बैटरी ड्रेन इशू के बारे में, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए गाइस, ये हमारा डिवाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, रेडमी नोट 13 प्रो 5G है। और गाइस इसके अंदर हाइपर वॉश का अपडेट हम लोगों ने फाइनली कर लिया था, आपको पता होगा। आज गाइस हम लोग इसके अंदर करते हैं BGMI टेस्ट, तो वीडियो का आप लोग एंड तक देखते रहे दोस्तों। ये रहा हमारा BGMI और हम BGMI को करता हूँ ओपन। और गाइस कम से कम हम लोग इसके अंदर आधे घंटे तक BGMI प्ले करेंगे, और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले गाइस डिवाइस का टेम्परेचर की बात कर लेता हूँ मैं। डिवाइस का टेम्परेचर बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो अभी दोस्तों एकदम यहाँ पर देखिए टेम्परेचर नॉर्मल है, 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमारा BGMI वापस खोलना पड़ेगा। तो मैंने BGMI है वो ओपन कर लिया है, अभी गैस हम लोग चेक करते हैं। तो हमारा BGMI फाइनली गैस ओपन हो चुका है। इसके अंदर सेटिंग के अंदर चलते हैं, ग्राफिक देखते हैं, स्मूथ बैलेंस HDR अल्ट्रा के अंदर गैस स्मूथ वाला ऑप्शन हटा दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों। मैंने आपको पिछली बार बताया था एक्सट्रीम HDR ये तो है ही नहीं, लेकिन गैस इसके अंदर जो HDR प्लस स्मूथ था वो वाला ऑप्शन है वो हटा दिया है। अभी हम लोग इसके अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम के अंदर ही प्ले करते हैं, कलरफुल कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। और गाइस पहले रैंक मैच भी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहे दोस्तों। वीडियो के अंदर आपको वैल्यू लगे तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए गाइस आपको कुछ देर बाद मिलता हूँ। तो फाइनली गाइज मैंने इसके अंदर BGMI खेल रहा हूँ दोस्तों, मुझे आधा घंटे के आसपास का टाइम हो चुका है। डिजिटल वेल्बिंग के अंदर आप लोग जाकर देख लीजिए। और गाइज मुझे अभी इससे ज़्यादा नहीं खेलना, आधे घंटे मैंने प्ले कर लिया। और गाइज पहले क्या होता था, आधे घंटे के अंदर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता था। टेम्परेचर गाइज यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कम ही हुआ है, यानी कि टेम्परेचर एकदम मेनटेन है इस अपडेट के बाद। उसके बाद गाइज हम लोग बात करें BGMI के टाइम यहाँ पर बैटरी ड्रेन की, तो वो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, नो बैटरी ड्रेन। यानी गाइज मैं इसके अंदर कल से BGMI यूज़ कर रहा हूँ, और गाइज मैंने कल से इसके अंदर जब से मैंने यहाँ पर ये अपडेट किया उसके बाद बैटरी ड्रेन का यहाँ पर रेड लाइन अभी तक नहीं देखा है दोस्तों। टेम्परेचर के अंदर थोड़ा सा डिवाइस आपको हीट फील होगा, लेकिन गाइज हीट इतना होगा नहीं। तो गाइज वो पहले वाले इशू इसके अंदर थे वो फिक्स हो चुके हैं फाइनली। और इसी के बाद गाइज यहाँ पर आपको बता, उसके बाद गाइज ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलती है, तो आप लोग इसको आकर भी ज्वाइन कर लीजिए। और गाइज BGMI के अंदर जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही चीज़ है दोस्तों, आप लोग अपने फ़ोन के अंदर इसको इंस्टॉल अवर कर सकते हैं। फिलहाल गाइज इसके अंदर देखिए बिल्कुल बैटरी ड्रेन वगैरह इशू नहीं है। और गाइज मैंने जितना यूज़ किया उतने के बारे में मैंने बताया। फिलहाल गाइज मैं इसको कल से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है टेस्ट देने से पहले 2-3 दिन पहले मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ताकि गाइज पता चल सके पूरी जानकारी क्या कुछ। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि मैंने जितना टेस्ट किया उसके हिसाब से डिवाइस के अंदर बैटरी बैकअप ठीक मिल रहा है, और गाइज यहाँ पर साथ में BGMI भी अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों ये था इसका रिव्यू, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, और ऐसे न्यू वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप लोग इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नई वीडियो मिलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।